दोस्तों, गुड़हल की कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा हिबिस्किस की कटिंग को लगाने का। वैसे आपने सिनेमन पाउडर, रूटिंग हार्मोन्स या फिर शहद के द्वारा हिबिस्किस की कटिंग को जरूर लगाया होगा। इसके अलावा आपने एलोवेरा के द्वारा भी कटिंग को लगाया होगा, लेकिन इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उसके द्वारा दोस्तों आपकी कटिंग पर फंगस भी नहीं लगेगा, और उसके बाद में जैसे ही आपकी कटिंग की रूटिंग स्टार्ट होगी उसको एक अच्छा पोषण भी मिलने लगेगा। दोस्तों, हिबिस्कस को कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको कटिंग चाहिए लगभग 6 से 7 इंच, 5 इंच तक भी कटिंग आप ले सकते हैं। कटिंग पर जितनी भी पत्तियां होती हैं या फिर साइड ब्रांचें होती हैं आपको सभी को कट करना होगा। कट करना इसलिए होता है ज़रूरी क्योंकि जो पत्तियां होती हैं या फिर साइड ब्रांचें होती हैं तो वो कटिंग का मॉइस्चर खींचती रहती हैं, कटिंग का जो खाना होता है वो सारा खींच लेती हैं, जिससे कटिंग फेल हो जाती है। इसलिए कटिंग की जो पत्तियाँ होती हैं उन सभी को हटाना ज़रूरी होता है। मैंने सारी कटिंग की जो पत्तियां हैं वो हटा दी हैं और कटिंग को लगभग 5 से 5.5 इंच का काट लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमने दो कटिंग ली है, एक कटिंग हम बिल्कुल सादा लगाएंगे बिना रूटिंग हार्मोन्स के, और दोस्तों दूसरी कटिंग को हम नए तरीके से ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन्स के जरिए लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों, विशेष के इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए मैंने अपने गार्डन की सॉइल को लिया हुआ है, और इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पर हल्दी को लिया हुआ है, हल्दी पाउडर है ये। और इसके अलावा दोस्तों हमें एक टमाटर चाहिए, और हमें चाहिए 1 गिलास पानी, कैंची चाहिए। तो इन सभी को आपको रखना होगा कटिंग को लगाते समय। चलिए अब कटिंग को हम पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगोने के बाद में लगभग आधा इंच हम हल्दी में इस तरीके से डिप कर लेते हैं, और उसके बाद में दोस्तों जो हमारे ये टमाटर है इसके अंदर होल करेंगे। तो चलिए कैंची की मदद से होल कर लेते हैं। लगभग 2 इंच तक का होल करने के बाद में जो हमारी कटिंग है हिबिस्कस की, एक कटिंग हम इसके अंदर लगाएंगे और दूसरी कटिंग हम बिना रूटिंग हार्मोन्स, बिना सिनेमन पाउडर और बिना हल्दी के लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस कटिंग को इस टमाटर के अंदर गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद में हम इसको इस मिट्टी के अंदर लगाएंगे। दोस्तों, हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल का भी काम करती है। अगर इस तरीके से कटिंग पर आप हल्दी को लगा के कटिंग को लगाते हैं तो आपकी कटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है, काफ़ी कम चांस होते हैं सड़ने के, गलने के। तो इस तरीके से आप कटिंग को लगा सकते हैं। और जो हमने टमाटर का यूज़ किया है वो टमाटर इसलिए इस्तेमाल किया है, जैसे ही कटिंग पर रूट्स बनेगी उससे पहले ही टमाटर डिकम्पोज हो चुका होगा, उसके बाद में हमारी कटिंग को पोषण मिलने लगेगा। जो दूसरी कटिंग आप देख पा रहे हैं ये मैं बिना रूटिंग हार्मोन्स के ही ऐसे ही डायरेक्ट इसको लगा रहा हूँ, और देखते हैं कौन सी कटिंग पर जल्दी रूट्स बनती हैं और किस कटिंग की जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो पाती है। कटिंग को लगाने के बाद दोस्तों हम अच्छे से पानी देंगे कटिंग को, उसके बाद में इसको छाया वाली जगह पर रखेंगे क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा तेज़ है तो हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते। यहाँ पर दोस्तों एक बात का और जानना जरूरी है, जैसे ही टमाटर डिकम्पोज होगा उसके बाद में टमाटर के नए नए पौधे उगने लगेंगे, तो आपको करना यह है कि आप उन टमाटर के पौधे को हटाते रहें। अगर आप उन टमाटर के पौधों को नहीं हटाएंगे तो आपकी जो हिबिस्कस की कटिंग है वो फेल हो सकती है, क्योंकि जो टमाटर के पौधे हैं वो पोषण सारा खींच लेंगे और कटिंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जितने भी टमाटर के पौधे नए नए उगने लगे आप उनको हटाते रहें। तो चलिए दोस्तों, इन हिबिस्कस की कटिंग को मैं एक ऐसी जगह रखूंगा जहां पर सिर्फ मॉर्निंग की धूप आती हो, बाकी पूरा दिन छाया रहती हो। तो चलिए कुछ दिन के बाद मिलते हैं कैसी इनकी ग्रोथ होती है, रूट्स की और पत्तों की। दोस्तों, इन हिबिस्कस की कटिंग को लगाए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक कटिंग वो है जो हमने टमाटर में लगाई थी, दूसरी कटिंग वो है जो हमने डायरेक्ट मिट्टी में लगाई थी। लेकिन जो टमाटर के अंदर हमने कटिंग को लगाया था हल्दी के द्वारा, तो उस कटिंग की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों, ये वो कटिंग है जिसको हमने हल्दी में डिप करके लगाया था, और दूसरी कटिंग सामने जो आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट हमने मिट्टी में इसको लगाया था, इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। तो इससे जाहिर ये होता है कि हल्दी के द्वारा और टमाटर में लगाने के बाद में कटिंग जल्दी लग जाती है, कटिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है गर्मी के मौसम में खासतौर से। लेकिन अगर आप रेनी सीजन में इस कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग आपकी बिना हल्दी के, बिना टमाटर के भी अच्छी ग्रोथ कर लेगी। लेकिन जो रिजल्ट मैंने पाया गर्मी के मौसम में, तो इस तरीके से आप गर्मी के मौसम में हिबिस्कस की कटिंग को लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी रूट्स की ग्रोथ देख लेते हैं, इसकी रूट्स बनी है या नहीं बनी है। कटिंग को दोस्तों मिट्टी से निकालने के बाद में कुछ पोजीशन इस तरीके की है रूट्स की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वो कटिंग है जिसको हमने हल्दी में लगाया था डिप करके टमाटर के अंदर। तो इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बनी है, लेकिन जो दूसरी हमारी कटिंग,
तो चलिए उस कटिंग की भी रूट्स की ग्रोथ को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, इस कटिंग की जो रूट्स हैं वो बहुत ही कम बन पाई थी। तो कम समय में दोस्तों, अगर आप कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं हिबिस्कस की, तो इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हिबिस्कस की कटिंग को नए तरीके से लगाने का ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है ये तरीका, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं।